देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। धमतरी जिले में 200 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध प्राचीन स्वयंभू गणेश मंदिर है, जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बेलर गांव के पास गढ़ डोंगरी गांव में स्थित है। यहां गणेश चतुर्थी में 11 दिनों तक विशेष रूप से भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस मंदिर में 11 दिनों तक श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना ज्योति प्रज्वलित भी की जाती है। मान्यता है कि यहां निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। भगवान गणेश उनकी मुरादें अवश्य पूरी करते हैं। पहले भगवान गणेश की प्रतिमा का आकार छोटा था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहीं रोजाना सुबह और शाम आरती के वक्त भालू का आगमन भी होता है, जो घंटी बजाकर भगवान गणेश का दर्शन करता है, फिर प्रसाद लेकर वापस लौट जाता है। लोग बताते हैं कि देवी देवताओं का गढ़ है, इसलिए इस गांव का नाम गढ़ डोंगरी पड़ा है। भगवान स्वयंभू गणेश दर्शन के लिए रोजाना अंचल सहित दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए नहीं बना है, अपने धरती फोड़ करके निकला हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है शंभू। और गणेश जी भगवान साथ साथ प्रकट है, बस समझने समझने की बात है। और जो भी भक्तराज यहाँ पर अपना तमन्ना लेकर के आते हैं, उनका तकरीबन 100% कम से कम उनकी मनोकामना पूरी होती है। और भक्त लोग मंदिर को कम से कम 2-2.5 साल हो गया होगा, 200 तब से चलती आ रहा है। और हमारे सियान लोग जो भी बताते हैं उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं।